हरवाड़ा के रघुनाथपुरा में पानी को लेकर 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन। बिजली विभाग ने जलदाय विभाग बोरिंग का काटा कनेक्शन। पेयजल व्यवस्था हुई बाधित। राजधानी जयपुर जिले के हरवाड़ा थाना अंतर्गत रघुनाथपुरा में सोमवार सुबह ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया और करीब 4 घंटे तक जालसू रोड को किया जाम। सूचना पर हरवाड़ा थाना पुलिस और आला अधिकारी पहुंचे मौके पर और मामला करवाया शांत। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि रघुनाथपुरा में विद्युत विभाग ने जलदाय विभाग के बोरिंग का कनेक्शन पिछले करीब 8 दिन पहले काट दिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों को पीने के लिए काफी पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में ग्रामीणों ने सरपंच को भी कई बार अवगत करवाया, वह जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी, लेकिन ग्रामीणों के अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। इसको लेकर ग्रामीणों का सब्र का गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीणों ने जालसू रोड को जाम कर दिया। वहीं सूचना पर हरमाड़ा थाना प्रभारी चेनाराम बेड़ा, विद्युत विभाग व जलदाय विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश कर मामला शांत करवाया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि 3 से 4 दिन के अंदर बोरिंग का कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दे डाली, अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन खुद होगा। दूसरी ओर रोड के जाम के चलते उधर से गुजर रहे एक डंपर भी रास्ता सिकुड़ जाने के कारण सड़क पर पलट गया, जिससे दिन भर रास्ता बाधित रहा, जहां दोपहर बाद डंपर को क्रेन की सहायता से सीधा खड़ा किया गया और रास्ता खुलवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव राजस्थान, जयपुर। ट्यूबवेल के ऑर्डर हो जाएंगे इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में ट्यूबवेल होकर के 15 दिन में आपके पानी आ जाएगा। तब तक पानी की व्यवस्था सरपंच साहब करेंगे गांव में, ठीक है? टैंकरों से करें, सर कैसे करें? नहीं, उसका दूसरा रास्ता है भाई, जिला कलेक्टर बैठा है, गांव प्यासा थोड़ी मरेगा कोई। आप ऐसा है, अरे मेरी बात, यदि 15 दिन में, अरे तो सुन तो लो पहले, 15 दिन में यदि तुम्हारे ट्यूबवेल नहीं होती है तो आप 5 आदमी गांव के समझदार आ जाना, कलेक्टर से मिलवा देंगे आपको। नहीं, कोई नारा लगाएंगे।